बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मुबीन का किचन, जिसमें आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट कुकीज़ विद बंटीज, जो कि बहुत ही आसान बनने वाली हैं और झटपट बनने वाली हैं, जिसका बेकिंग टाइम भी जो है 15 मिनट सिर्फ। और मैं आज जो है वो ये कुकीज़ ओवन की जगह मैं पैन में बना के दिखाऊँगी, जिसके लिए हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। सौ ग्राम घी, इसमें मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी आपकी। हाफ कप शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप ऑफ फ्लोर जो है, या आप मैदा यूज़ करेंगे सिंपल। बंटीज हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैं इसमें आप लोग चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस एंड 2 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर। अब हम लोग इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें घी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम लोग इसमें जो है शुगर ऐड करेंगे। शुगर जो है वो रेगुलर शुगर है, इसको जो है वो मैंने पीस लिया है अच्छे से। चीनी और घी को जो है हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये बैटर की शक्ल तैयार कर दीजिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो वाइट कलर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया, जब ब्राउन हो गया। इसके बाद हम लोग जो है इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा मैंने पहले से छान के रखा है। ये मैदा जो है वो 1 कप मैंने ऐड कर लिया। इसमें मैं 1/2 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करेंगे कि हम लोग के घी में या फिर जो बटर हम लोग ने लिया हुआ उसमें मिक्स हो जाए ये सारा बटर। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है हम लोग इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर हम लोग का बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, उससे हमारी कुकीज़ अच्छी नहीं बनेंगी। बहुत नॉर्मल सा बैटर हम लोगों का होना चाहिए। इसमें हम लोग कोको पाउडर ऐड करते हैं। इस कंडीशन में अब मैं जो है इसमें 2 टेबलस्पून मैं इसमें कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। कोको पाउडर को हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे हम लोग अपने बैटर में। अगर आपको अपना बैटर ज़्यादा ड्राई फील हो तो आप लोग 1 से 2 चम्मच इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैं कोट करती हूँ। हम लोग को बैटर मसाला अच्छी कंडीशन में है, हमें मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह कोट करेंगे, फोल्ड करते जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ये देखिए हम लोग का मिक्सर रेडी हो गया, कुकीज़ का ये मिक्सर रेडी हो गया, चॉकलेट चिप जो है ये कुकीज़ का रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग जो है अपने पैन को ग्रीसी करेंगे अच्छे से। चारों साइडों से हम लोग इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और पैन को मैंने ऑलरेडी फ्लेम ऑन किया है, उसको प्री हीटेड करेंगे। अब मैं चाहे इस बैटर से कुकीज़ बना के इसमें रखूँगी नॉर्मल साइज़ की। वैसे देखिए हम लोग का चॉकलेट कुकीज़ का ये बैटर इस तरह का रेडी हो गया। अब हम लोग अपने पैन को अच्छे से ग्रीसी कर लेंगे। व्यूअर्स ये देखिए मैंने कुकीज़ बना ली हैं, उसके ऊपर मैं अब बंटी से वो लगा रही हूँ।
बच्चों को जैसे कि आपको पता है बहुत पसंद होती हैं बंटीज़ भी और कुकीज़ भी। अगर आप ये घर में ट्राई करें, बच्चों को नीट एंड क्लीन चीज़ें हैं वो घर में मिलेगी। इसको हल्के हाथ से आप स्प्रिंकल करते जाएं। जी मैं बस ये देखिए फाइनल लुक हम लोगों की कुकीज़ की। मैंने पैन को ग्रीस करने के बाद जो है मैंने कुकीज़ को घोल से पहले बनाया था, फिर उसके बाद मैंने इसको हल्के हाथ से दबा के मैंने अपने पैन में रख दिया है। अब मैंने इसके ऊपर बंटीज लगा दी हैं, अब मैं इसको अपने पैन में रखूँगी। पैन ऑलरेडी जो है वो प्री हीटेड है। पैन के नीचे हम लोग एक स्टैंड रख लेंगे, उसके ऊपर हम लोग जो है अपने इस पैन को रखेंगे। ये देखिए अब हम लोग इसे 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये हमारी बहुत अच्छी मसाला कुकीज राइस हो जाएंगी और फैल जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। आप इसे लास्ट में ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। घर के बिस्किट मसाला आपको होता है, आप मेहमानों के लिए भी रेडी कीजिए और बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, फॉलो करते रहिए मुझे, थैंक यू। इसको 15 मिनट बाद हम लोग खोल के जो है वो आपको दिखाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ है, ठीक है। 15 मिनट के लिए इसको हम लोग अब कवर कर चुके हैं। 15 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ ये माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी तैयार हो जाएंगी कुकीज़, चॉकलेट कुकीज़। जी व्यूअर्स ये देखिए हम लोग की कुकीज़ रेडी हो गई हैं। अब हम लोग इसको जो कैप है खोलेंगे। अच्छा कुकीज़ को अभी हम लोग नहीं छेड़ेंगे, कुकीज़ हम लोग को ठंडी होने देंगे, फिर इसको पैन से अलग करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसको फ़िलहाल हम लोग जो है फ्लेम ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे पैन को, उससे मैं आप लोगों को आराम से कुकीज़ को अलग करके पैन से दिखाऊंगी। विवेक जी देखिए हम लोगों की चॉकलेट कुकीज़ की ये फाइनल लुक है। चॉकलेट कुकीज़ विद बंटीज हैं ये रेडी हो गई हैं माशाल्लाह से। बच्चों को आप घर में बना के दें, ये माशाल्लाह बहुत मज़े की हैं और क्रिस्पी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहिए, मुझे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।